हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल झल्ली प्रिया। आज का जो वीडियो होने वाला है वो आर्ट रिलेटेड, क्राफ्ट एंड आर्ट रिलेटेड होने वाला है। आज की वीडियो में आपका शेयर करने वाली हूँ एक डीआईवाई प्लांटर। बट ये जो प्लांटर है वो कोई ऑर्डिनरी प्लांटर नहीं होने वाला है। ये थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंग टू मी थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाला है, क्योंकि ये कोई बकेट स्टाइल या ऐसा और जैसे हमारे नॉर्मली पॉट्स होते हैं वैसा पॉट नहीं होने वाला है। अगर आप लोगों को जानना है ये पॉट कैसा है, कैसे बनाना है इसको, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, ये जो मैं प्लांटर बनाने वाली हूँ ये इन बैम्बू कटिंग्स की हेल्प से बनाने वाली हूँ। गाइस, ये मैंने अपने डैड की हेल्प से ये मैंने इनको बीचों बीच ऐसे कट कर दिया। आप देख सकते हैं इनको, बस मैंने इतना सा ही कट किया है। एंड द वुड पेंट आई एम यूजिंग इज फ्रॉम एशियन पेंट्स। मैं इसके अंदर कुछ पेंट करने वाली नहीं हूँ क्योंकि ये प्लांटर है, तो मैं इसको एज मतलब जिसमें मैं मिट्टी डालूंगी मैं वो यूज़ करूँगी, तो अंदर कुछ पेंट करने के कुछ मतलब नहीं है। तो जो डिज़ाइन मुझे करना है वो मैं बाहर ही करने वाली हूँ। गाइज, आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट हो चुका है। अब इसको मैं ड्राई करने के लिए छोड़ दूंगी, फॉर एटलीस्ट एक दिन तो मैं छोड़ ही दूंगी क्योंकि ये वुड पेंट है, इसको आराम से एक दिन लगेगा ही, तो मैं इसको एक दिन के लिए छोड़ दूंगी। और इसी तरह मैं ये अपना ये जो दूसरा बैम्बू है इसको भी मैं उसी तरह पेंट कर लूंगी। एंड गाइस, ये दोनों मेरे प्लांटर्स पेंट हो चुके हैं। अब मैं इनको वही ड्राई करने के लिए रख दूंगी पूरा एक दिन अच्छे से, ताकि ये सूख जाएं और इसके बाद मैं इसके ऊपर जो मुझे डिज़ाइन देनी है वो मैं दे पाऊँ। सो गाइस, ये एक दिन रखने के बाद ये पेंट पूरी तरीके से सूख चुका है। एंड अब इसमें थोड़ा और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए मैं इसमें कुछ डिज़ाइन करूँगी। एंड इट्स डन गाइज, ऑलमोस्ट ये पूरा हो गया। बस अब इसको मुझे बस इस थ्रेड से ज्वाइंट करना है, मतलब दोनों एक लेयर बनाना है दोनों का। सो करते हैं गाइज, आपको जितना भी हैंग करना है आप पहले उसको मेजर कर लीजिए। और मेन आप लोग ध्यान रखिए कि आपका ये तो बैम्बू जो भी रहेगा वो बॉटम में रहेगा। सेकेंडली, आप कितना गैप रखना है, उसके अलावा भी आप थोड़ा सा थ्रेड पक्का छोड़ना ताकि हम बाद में उसको कहीं पर हैंग करने में हमें ईजी पड़े। एंड जितना हमें लूप पड़ रहा है उसका ही हम मेजरमेंट में सेम मेजर करके और थ्रेड इतना ले लेंगे हम। अब एक साइड का थ्रेड मेजर करने के बाद हम इधर एक नॉट लगा देंगे। ताकि ये पार्ट जो है वो स्टेबल हो जाए। एंड सेकेंडली, हमें नॉट जो हमने सोच के रखा है दूसरा बैम्बू हम जो जहाँ लगाएंगे उसके हमें नीचे वो नॉट लगानी है। लाइक दिस, जितना भी आपको लग रहे, अगर आपको और नीचे करना है तो आप और नीचे कर लेंगे।
मेक सिक्योर, मैं एक और नॉट लगाऊंगी। सेम इसी तरह मैं यहाँ पे भी सेम जो थ्रेड का मैं जब पूरा प्रोसेस किया है स्ट्रिंग्स लगानी है, इस साइड भी मैं वही प्रोसेस सेम करूंगी। मैं एंड इट्स डन गाइस, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड आप अगर आपको और लेयर्स लगाने हैं तो आप और लेयर्स लगा सकते हैं। अब मैं इसके अंदर वही अपनी गार्डनिंग की तकनीक आजमाऊंगी, इसमें मैं मिट्टी डालूंगी एंड अपना अच्छा सा एक प्लांटर बनाऊंगी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी हो, कुछ नया आर्ट वर्क सीखने को मिला हो। एंड अगर आपको इस तरीके की वीडियोस और देखनी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। एंड मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना। थैंक यू।